खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से है। गोड्डा से चोरी की हुई स्कॉर्पियो बरामद, गाड़ी में लगा था दूसरे नंबर का प्लेट। हबीबपुर पुलिस ने गोड्डा से चोरी हुई एक स्कॉर्पियो बरामद की है, उसमें एक खराब कार का नंबर लगा था। कार का नंबर शमीम के नाम से रजिस्टर है, जबकि गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर किसी दूसरे नाम से रजिस्टर है, जो गोड्डा से चोरी हो गई थी। गाड़ी के दो दावेदार सामने आने पर मामले का खुलासा हुआ। हबीबपुर पुलिस ने जांच की तो स्कॉर्पियो चोरी का पता चला। स्कॉर्पियो को कोतवाली इलाके के किसी कमल नाम के व्यक्ति ने खरीदा था, उसमें खराब कार का नंबर लगाकर लीज पर चलवा रहा था। चोरी की स्कॉर्पियो की हबीबपुर पुलिस ने गोड्डा पुलिस को जानकारी दी है। गोड्डा के कोवा नदी में डूबे दो किशोर के शव 20 घंटे बाद मिले, स्नान के दौरान पानी में बह गए थे। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड के बागकोल गांव के निकट कोवा नदी में शुक्रवार की शाम स्नान के दौरान दो किशोर डूब गए थे। करीब 20 घंटे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने शनिवार को दोनों किशोरों का शव नदी से बाहर निकाला। जब नदी से शव को बाहर निकाला गया तो दोनों किशोर के परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। परिजनों के चित्कार से गांव में कोहराम मच गया। बता दें कि बाधाकोल 2 के निवासी शंकर राम के 16 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार और उसी गांव के कुमोद नाम के 15 वर्षीय पारस कुमार शुक्रवार की शाम 4 बजे खेल कूद कर कोवा नदी में स्नान करने गए थे, जहां दोनों गहरी नदी में समा गए। विद्यालय में एक बैठक आहूत हुई, बैठक में अपार्टमेंटल परीक्षा पर हुई चर्चा। स्थानीय सूरज मंडल इंटर महाविद्यालय में आशु छात्र संघ की बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से कोरोना को लेकर छात्रों के समक्ष आ रही समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई। जैक द्वारा आयोजित कंपार्टमेंटल परीक्षा इंटर 2020 के परीक्षा केंद्रों को लेकर चर्चा हुई। चूंकि अभी वाहन के आवागमन संबंधी समस्या है, छात्र ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, अतः ऐसे में गृह प्रखंड में ही परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की गई है, ताकि आवागमन में छात्र छात्राओं को सुविधा हो सके और कोरोना से भी बचाव भी हो सके। DRDA की तकनीकी टीम ने की सूखे पौधों की जांच। सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत बिरसा हरित क्रांति योजना के द्वारा किसानों की रैयत जमीनी पर आम की बागवानी योजना ली गई, लेकिन लगाए गए आम के पौधे मरने लगे हैं। किसानों के दर्द को उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए इसके लिए जांच कमेटी गठित की है। इसी क्रम में उप विकास आयुक्त ने DRDA की तकनीकी सहायक स्टेला बा और ज्योति भगत को वसंतराय प्रखंड में मर रहे पौधे का सर्वे करने और योजना की जांच कर रिपोर्ट देने की निर्देश दिया है। शनिवार को दोनों तकनीकी सहायकों ने कैतपुरा पंचायत में किसानों के साथ उनके द्वारा लगाए गए आम की बागवानी को देखा और जांच में सहयोग देने की अपील की। ललमटिया क्षेत्र में स्टोन चिप्स लदे 13 ट्रक जब्त। ललमटिया बुआरीजोर मुख्य मार्ग से लगातार बरहरवा साहिबगंज मिर्जा चौकी की ओर से पत्थर चिप्स एवं गिट्टी लदा ओवरलोड ट्रकों के परिचालन को देखते हुए टीम गठित कर शनिवार को खनन विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान शनिवार को बसडीहा डायवर्सन रोड के पास 13 ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ा गया। पकड़े गए 13 ट्रकों को ललमटिया थाना को सुपुर्द किया गया है। छापेमारी टीम में जिला खनन पदाधिकारी मेघलाल टूडू, माइनिंग इंस्पेक्टर दिलीप कुमार महतो, अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव के अलावा टास्क फोर्स सम्मिलित थे। खबर देवघर से, सारठ विधायक ने देवघर उपायुक्त के विरुद्ध मुख्य सचिव को लिखा पत्र। पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ के भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने जिला पदाधिकारी देवघर व उप कोषागार पदाधिकारी मधुपुर के परिवार में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। यह आरोप पूर्व मंत्री ने देवघर उपायुक्त के विरुद्ध लगाया है। इस संबंध में पूर्व मंत्री ने मुख्य सचिव के नाम शनिवार को पत्र लिखकर राजपत्रित पद पर राजपत्रित पदाधिकारी को ही पदस्थापित करने का अनुशंसा की है। झारनेट 2 में आसान हो जाएगा ऑनलाइन कार्य। झारखंड में झारनेट 2 का काम पूरा होते ही विभिन्न विभागों के ऑनलाइन कार्य काफी आसान हो जाएगा। लॉर्सन एंड ट्रूबो कंस्ट्रक्शंस की ओर से काम शुरू है और दावा किया जा रहा है कि 1.5 माह में पूरे राज्य में काम पूरा कर लिया जाएगा। झारनेट 2 के तहत देवघर में 12 इंटरनेट टावर लग चुका है। 2 और टावर बाबा मंदिर व समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में लगाने का काम चल रहा है। अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ओवर ब्रिज का काम शुरू करे ठेकेदार। शहर के रेलवे भूतल पुल के समीप नगर परिषद के बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त के सप्लाई ओवर ब्रिज निर्माण कार्य करने को लेकर नगर परिषद उपाध्यक्ष मोहम्मद जियाउल हक ने शनिवार को कार्यालय पदाधिकारी सुशील कुमार को पत्र लिखा है।
कार्यपालक पदाधिकारी को लिखे गए पत्र में नगर परिषद उपाध्यक्ष ने कहा कि विगत बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था कि शहर के बीचों बीच बन रहे फ्लाई ओवर ब्रिज के कार्यों को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि ठेकेदार नगर परिषद से आपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है। लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष ललिता मुर्मू के पत्र से कार्यपालक पदाधिकारियों को सूचित करने के उपरांत ही ठेकेदार द्वारा वर्तमान समय में पुल का कार्य लगातार कराया जा रहा है जो गलत है। उन्होंने ठेकेदार को नोटिस के माध्यम से कार्य को बंद करने की बात कही है। खबर जमताड़ा से। 25,000 की आबादी में एक भी प्लस टू हाई स्कूल नहीं। ग्राम पंचायत सहरडाल स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय को प्लस टू विद्यालय करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। पूर्व के वर्षों में भी यह मांग जोरदार तरीके से की गई थी पर उस समय न तत्कालीन सरकार न ध्यान दिया और न ही शिक्षा विभाग ने ठोस पहल की। मौजूदा हेमंत सरकार से आस लगा कर स्थानीय लोगों ने फिर से अपनी मांग मुखर तौर पर उठाई है। बेरोजगारों को रोजगार देने में झारखंड का जामताड़ा जिला पिछड़ा। जामताड़ा में लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जांच प्रक्रिया पूरी के बाद ही बैंकों से रोजगार के लिए लोन लिए जाते हैं। जिले में रोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की सरकार योजना का बुरा हाल है। जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में महज 8 लोगों को ही स्वरोजगार के लिए बैंकों से लोन देने की स्वीकृति किया गया है जबकि विभिन्न विभागों की ओर से इस वित्तीय वर्ष में रोजगार के लिए लोन देने का लक्ष्य 76 निर्धारित किया गया था। इधर वित्तीय वर्ष 2020-21 के 6 माह बीतने को है फिर भी विभाग गंभीर नहीं दिख रहा है। लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जांच प्रक्रिया पूरी के बाद ही बैंकों से रोजगार के लिए लोन दिए जाते हैं। खबर है दुमका से। सुरक्षा के साये में होगा चुनाव। कोरोना भी नहीं मार सकेगा पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दुमका राजेश्वरी ने शनिवार को समरणालय सभागार में दुमका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पोलिंग पार्टी को सैनिटाइजर मास्क एवं ग्लव्स दिया जाएगा। सभी बूथ पर थर्मल स्कैनर रहेंगे। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंट्री एवं एग्जिट के गेट अलग अलग बनाए जाएंगे। बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए 1 मीटर की दूरी पर सर्कल या बैरिकेडिंग लगाया जाएगा। नए मतदाता को जोड़े BLO को निर्देश दिया गया कि वह योग्य मतदाता जिनका मतदान सूची में अब तक नाम दर्ज नहीं हो सका है ऐसे मतदाताओं को भी फॉर्म देकर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य करें। जो लोग बाहर चले गए हैं उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दें। कहा कि जो भी BLO अच्छा कार्य करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान को बेहतर ढंग से निर्वाचन क्षेत्र में चलाया जाएगा। खबर है दुमका से। युवक की पिटाई से नाराज लोगों ने छात्र नेता को ही पीटा। मुफसिल थाना क्षेत्र के लक्की कुंडी मोहल्ले में शनिवार को मछली मारने के विवाद में एक युवक की पिटाई से नाराज लोगों ने छात्र चेतना संगठन के केंद्रीय प्रमुख हिमांशु मिश्रा व कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी। मामला दो पक्ष का जुड़ा होने के वजह से मोहल्ले में तनाव हो गया। माहौल को शांत कराने के लिए मोहल्ले में पुलिस बल की तैनाती की गई। मुफसिल थाना में दोनों पक्ष की ओर से कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन दिया गया है। दोपहर को लक्की कुंडी तालाब से मछली मारने के विवाद को लेकर छात्र नेता ने हुमायूं नामक युवक की पिटाई कर दी। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भड़क गए और हिमांशु को पकड़ कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने संगठन के अन्य सदस्यों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सूचना पर नगर थाना व मुफसिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह से छात्र नेता को लोगों के चुंगल से आजाद कराया। खबर है जामताड़ा से। जिले में चल रही है 2,754 विकास योजनाएं। वैश्विक महामारी अवधि में मनरेगा योजना के तहत गांव स्तर पर चल रही जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के निर्माण कार्य में प्रवासियों को रोजगार मिल रहा है। जिले में 2,754 योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में प्रवासी तथा मनरेगा मजदूरों को गांव स्तर पर मजदूरी काम मिल रहा है। योजनाओं से गांव-गांव रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। जिले के विभिन्न 6 प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत 3,754 योजनाओं की स्वीकृति 2 माह पूर्व मिली थी। अब तक 1,070 योजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। जिले में जल संरक्षण से संबंधित 1,881, मेड़बंदी 325, नाला गहरीकरण 503, कंपोस्ट पीट 963 शॉक पीट तथा 304 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की निर्माण की स्वीकृति दी गई है। खबर है जामताड़ा से।
जामताड़ा साइबर अपराध के लिए मशहूर झाड़ियों में छिपकर ठगी कर रहे 9 साइबर अपराधी धराए। साइबर अपराध के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए शनिवार को पुलिस ने कर्माटांड के सियाटांड गांव में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधी को धर दबोचा। इनमें कई रिश्तेदार में सहोदर भाई हैं। मामले की पुष्टि करते हुए SP दीपक कुमार सिन्हा अपने कार्यालय में शाम को बताया कि पुलिस को गांव में साइबर अपराधी की जुटाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस व कर्माटांड थाना के पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर गांव पहुंची तो पाया कि सभी साइबर अपराधी गांव के समीप बांस के झाड़ियों में छिपकर बैठा हुआ था। साथ ही अपने को फर्जी बैंक अधिकारी बताकर ये लोग दूसरे के बैंक धारकों को फोन किया करता था। इसके बाद बैंक संबंधित गोपनीय पासवर्ड और जानकारी होते ही उनके खाते से रुपया उड़ा लेते थे। हालांकि पुलिस को देखते ही सभी बदमाश भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस घेराबंदी को तोड़ नहीं पाए। इसके बाद 3 अपराधियों को पुलिस ने खदेड़ कर धर दबोचा। खबर है जामताड़ा से। 36,000 नए लाभुकों को मिलेगा सम्मान निधि योजना का लाभ। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों की संख्या 53,000 से 89,000 तक पहुंच गई है। 55,000 किसानों ने योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिला कृषि कार्यालय में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन आवेदन किया था। अंचलाधिकारी तथा जिला कृषि पदाधिकारी के सत्यापन के उपरांत 36,000 किसान का आवेदन मापदंड के अनुकूल पाया गया है। शेष आवेदन को रद्द किया गया है। पूर्व में जिले के 53,000 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता था। हजारों किसान इस योजना के लाभ से वंचित रहते थे। सरकार तथा जिला प्रशासन के अथक प्रयास के बाद सितंबर माह में 36,000 नए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में स्वीकृति दी गई है। सब ठीक ठाक रहा तो अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में 9 स्वीकृति 36,000 किसानों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी शब्बन गुड़िया ने बताया कि 4 माह के अथक प्रयास के बाद योजना से वंचित 36,000 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। संबंधित किसान के आवेदन को सत्यापन करते हुए राज्य मुख्यालय को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। राज्य मुख्यालय से एक पखवाड़ा के अंदर स्वीकृति के साथ राशि भी किसान के बैंक खाते में आवंटित की जाएगी। खबर है साहेबगंज से। जल्द होगा स्टेशन के कार्यों का अपग्रेडेशन। मालदा रेलवे डिवीजन के सीनियर DN जितेंद्र कुमार ने राजमहल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर वहां चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जितेंद्र कुमार ने निरीक्षण के क्रम में स्टेशन में बन रहे निर्माणधीन कार्यालय कक्ष को देखा। उन्होंने बताया कि जल्द ही स्टेशन के कार्यों का अपग्रेडेशन होगा। सिग्नल को लीवर के माध्यम से संचालित न कर कार्यालय में लग रहे मोटर से संचालित किया जाएगा। जब निर्माणधीन भवन तैयार हो जाएगा तो पुराने कार्यालय कक्ष को वहाँ हस्तांतरित कर दिया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।